कुशीनगर में नाबालिग लड़की का दुष्कर्म के कारण धर्मांतरण का मामला सामने आया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। पंजाब के लुधियाना में बेकरी मालिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गर्दन में लगी गोली और गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों की तलाश की जा रही है। प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले गैंग का खुलासा। मदरसे में छापे जा रहे थे नकली नोट। मौलवी समेत चार आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से 1,03,000 के नकली नोट बरामद। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में ज्वेलर्स से दिन दहाड़े लूट। लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर बदमाश फरार। शॉप में लगे कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई है। गिरफ्तारी में जुटी हुई पुलिस की 6 टीम्स। मध्य प्रदेश के कटनी में जीआरपी पुलिस का हैरान करने वाला चेहरा आया सामने। महिला पुलिस अधिकारी ने दादी पोते को बेरहमी से पीटा, डंडे से मारपीट करते हुए तस्वीरें कैद। पुलिस ने जांच का भरोसा दिया। रायबरेली में पेट्रोल की जगह पानी डालने का मामला सामने आया। बाइक सवार को पानी मिला, पेट्रोल देकर जमकर हुआ हंगामा। बवाल के बाद और मजिस्ट्रेट ने पेट्रोल पंप को सील कर दिया। गाजियाबाद में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़। बॉडीगार्ड नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। बदमाश पर आधे दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल हो गए। रिटायर्ड एडीएम की पत्नी की चेन लूटने के दौरान वांछित थे। केरल में ट्रक ने ऑटो को कुचला। हादसे की भयानक तस्वीरें सामने आई। हादसे में बाल बाल बचा ऑटो चालक। यूपी के महोबा में दर्शन के लिए जा रही महिला श्रद्धालु के जत्थे में बाइक ने टक्कर मारी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बुलंदशहर में तेज रफ्तार बस ने कार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हुए। कार में फंसे लोगों को राहगीरों ने निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर दो कारों की भीषण टक्कर। कार के उड़े पर खतरे। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। महिला समेत 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पटना के पुनपुर में बड़ा हादसा। धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मकान की दीवार गिरने से हादसा हुआ। मलबे में दबने से 50 लोग जख्मी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बदायूं शॉर्ट सर्किट से लगी बाइक शोरूम में आग। अस्पताल में इलाके में मचा हड़कंप। लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मुजफ्फरपुर में सीवर की सफाई करने गए मजदूर 30 फीट गड्ढे में फंसे। 2 मजदूरों का दम घुटने से मौत हुई। 1 की हालत गंभीर। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ का कहर और खेतों में काम कर रहे किसान पर बाघ ने हमला किया। किसान की मौके पर मौत हो गई। बाघ के हमलों से ग्रामीण में दहशत। गाजा के बाद अब इसराइल का वेस्ट बैंक में बड़ा हमला। इजरायली सेना ने जेनिन और तुलकेरेम पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन से हमले किए। हमले में 10 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर। वेस्ट बैंक के तुलकमाम में घातक इजरायली हमले के बाद सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। इजरायली सैनिकों ने आतंकवादियों का गढ़ जेनिन शहर को सील कर दिया। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्ला के 2 ठिकानों पर हमला करने का दावा किया। आईडीएफ ने कहा हिजबुल्ला के आतंकवादियों ने इनका इस्तेमाल निगरानी चौकियों के रूप में किया था। यूक्रेनी राष्ट्रपति के एक रिवीर शहर पर मिसाइल अटैक। रूसी मिसाइल हमले में 8 लोगों के घायल होने की खबर। संयुक्त राष्ट्र ने मध्य पूर्व में स्थायी शांति करने के लिए संकल्प लिया। जनादेश को 1 और साल के लिए बढ़ाने पर सर्वसम्मति से मतदान किया। गाजा में पोलियो पर विचार कर रहे चिकित्सा विशेषज्ञ। अभी कुछ देशों में पोलियो का प्रकोप जारी है। वायरस को लेकर WHO अलर्ट। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रवक्ता ने वेस्ट बैंक में इजरायल की हमलों पर चिंता जताई। एजेंसी ने वेस्ट बैंक में हालात बेहद भयानक होने की चेतावनी दी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उत्तरी इजरायल का दौरा किया और सैनिकों से मुलाकात के मौके पर कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से लेबनान की संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के प्रस्ताव को 1 और साल के लिए बढ़ाया। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई का समर्थन किया गया। रूस के रोस्तोव में ड्रोन हमला। इस हमले की वजह से एटलस तेल डिपो में धमाके के बाद आग लग गई। भयानक तस्वीरें सामने आई। जेनिन और तुलकर में आईडीएफ ने चलाया आतंक विरोधी अभियान। वीडियो जारी कर दिखाई सैनिकों की तैयारी। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया हमला। फिलहाल हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है और इजरायली सेना की तरफ से जमकर बमबारी हो रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने नेपर नदी के पास यूक्रेनी सेना के एक ठिकाने को ध्वस्त करने का दावा किया। रूस के नेपर निगरानी समूह में 203 mm की स्वचालित तोप का जो पूरा अड्डा है उसको उड़ाया। तस्वीरें जारी। रूसी विमान ने सुमी क्षेत्र में अमेरिकी निर्मित हिमार्स सिस्टम पर हमला कर दिया। हमले में एक हिमार्स लॉन्च वाहन को नष्ट किया गया। हिमार्स रॉकेट से 6 लोड भी नष्ट हो गए।
जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा कुर्स क्षेत्र के अलावा कई अन्य जगहों पर भी कब्जा जारी रहेगा। रूसी सीमा शुल्क विभाग ने कार्रवाई की और एक जर्मन को $1 मिलियन की सोने की ईंटों के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए शख्स से पूछताछ की जा रही है। अमेरिका के ओरारा में एक अपार्टमेंट में जबरन घुसे बदमाश, सभी के हाथों में नजर आई बंदूकें, हिंसा करने की वीडियो सामने आई। वाशिंगटन में कार्रवाई के दौरान पुलिस अधिकारियों को लगी गोली, पीछा करने के दौरान बदमाश ने गटर में फेंकी थी पिस्टल, निकालने की कोशिश में गोली चली। अमेरिका के सालवाडोर में महसूस किए गए भूकंप के झटके 6.1 तीव्रता रही, लेकिन किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे नोर जिहाद की। देखिए, हिंदुस्तान की तरक्की से कुछ नफरती गैंग जो है वो नाखुश नजर आता है और यही वजह है कि समय समय पर और बार बार हिंदुस्तान को, देश को कमजोर करने का काम करता है। और एक ऐसी ही खबर सामने आई है प्रयागराज से, जहां मदरसे के अंदर एक मौलाना नकली नोट का गंदा खेल खेल रहा था, यानी कि नकली नोट बना रहा था। फैक्ट्री चल रही थी मदरसे के अंदर, लेकिन इसका पर्दाफाश कैसे हुआ है और कैसे नोट जिहाद का अड्डा इस मौलाना ने मदरसे के अंदर बनाया था, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नफरत को जिहाद का नाम देकर हिंदुस्तान को गहरे जख्म देने वाली कई साजिशों का खुलासा देश में पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन इसी कड़ी में अब यूपी पुलिस ने प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे में चल रही एक गहरी साजिश का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक जामिया हबीबिया मदरसे का मौलवी मोहम्मद तफसीरूर भारत में नोट जिहाद चला रहा था। वो मदरसे में नकली नोट छाप रहा था। उसकी फैक्ट्री में 100-100 रुपए के नोट छापे जा रहे थे। उसने मदरसा नकली नोट छापने वाले गैंग को किराए पर दे रखा था। पुलिस के मुताबिक जामिया हबीबिया मदरसे का मौलवी नकली नोट बनाने वाले गैंग का शेयर होल्डर था और ये खेल मदरसे में पिछले कई महीनों से चल रहा था। हालांकि यूपी पुलिस ने नकली नोटों की फैक्ट्री चलाने वाले मौलवी और उसके गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन नकली नोटों का ये गैंग अब तक कितने का नोट बाजार में खपा चुका है, इसका जवाब मिलना बाकी है। इनके द्वारा जो नकली नोट 100 डिनोमिनेशन का था, इंडियन करेंसी नोट, उसको प्रिंट करके तैयार किया जा रहा था। उसमें इनके कब्जे से जो बरामद हुआ है उसमें 1300 रुपीज के जो नोट्स हैं डिनोमिनेशन के, वो बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत 1,30,000 है। उसके अलावा 234 पेज जो है वो प्रिंट किए हुए बरामद हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल छापेमारी करके 100-100 रुपए के 1,30,000 रुपए की नकली करेंसी बरामद कर ली है। इसके अलावा पुलिस ने मदरसे से नकली नोट छापने की मशीन और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी बरामद कर ली है। पुलिस का दावा है कि मदरसे में चल रहे नकली नोट के इस कारखाने का मास्टरमाइंड जाहिर खान उर्फ अब्दुल जाहिर है, जो ओडिशा का रहने वाला है। इसके प्रिंसिपल है मोहम्मद तफसीरुल और ये मेन जो इनका मास्टरमाइंड है जाहिर खान, ये दोनों उड़ीसा के ही रहने वाले हैं, भद्रक के, और ये इस मदरसे में पिछले 5-6 साल से ही रह रहे हैं। ये एक दूसरे को जानते थे और मेनली इन दोनों की नॉलेज में भी था। तो जो मदरसा का जो मौलवी प्रिंसिपल है उसके संज्ञान में था, उसी ने इनको एक अलग रूम दे रखा था और वहीं पे ये सारे जो इंडियन फेक इंडियन करेंसी नोट जो है वो ये तैयार कर। बहरहाल देश में फेक करेंसी लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है, जिसे खत्म करने की कोशिशें लंबे वक्त से जारी हैं, लेकिन हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की यह साजिश इकलौती नहीं है। पिछले कई महीनों से देश में सिलसिलेवार तरीके से कई ऐसी साजिशें देखने को मिली हैं, जो ये साबित करने के लिए काफी हैं कि हिंदुस्तान की तरक्की से कुछ देश और नफरती गैंग बुरी तरह से पीड़ित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश पर आर्थिक चोट की साजिश यहां पर रची जा रही थी और